कुछ सरप्राइज मंगा लिया साढ़े वास्ते। ये सारा सरप्राइज इकट्ठा होगा यार। अम्मी माना आपके दहेज का फर्नीचर है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं। आप सुनो, अब जो भी चीजें बन रही है ना वो सारी प्लाई में बन रही है। हाँ। और ये प्योर लकड़ी है। दुलकर नैन ने अपने रूम के लिए सारा कुछ नया लेना है। अच्छा। तो अब मैं भी रूम अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैंने भी फर्नीचर सारा नया लेना है। बात सुनो, नया ठीक है। किस चीज के खिलाफ? महंगाई के खिलाफ होना चाहिए। मोटू भाई ने जी बैठे बैठाए नुकसान करवा लिया और मुझे पता ही कोई नहीं है। ये तो बीस में चेक कर रहा है, इसने ना हाथ में पहनी होती है, आपने व्लॉग में देखी होगी, तो इसकी गुम हो गई है। मोटू भाई देख, यही दोस्ती होती है कि तेरा नुकसान हुआ है ठीक है, मैं भी भर सकता हूँ, लेकिन ये मैदान में आए बोलना नहीं कोई बंदा। ये छोटू भाई आज खेल नहीं था, रात तो सोया हुआ है। ये देखो वो देखी जिंदा है, मर गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सारे? ठीक ठाक है, मजे में है, बेहतरीन है। वेलकम करते हैं आपका ब्रांड न्यू व्लॉग में। चौधरी यार नमाज का टाइम हो रहा है, जल्दी निकलो। नमाज के लिए लेट हो रहे हैं, ये बंदे निकल रहे हैं। मैं वजू करके बैठ भी गया। अभी हम लोग ये मस्जिद पहुंचे हैं, नमाज हो चुकी है सिर्फ आप दो बंदों की वजह से। नहीं, लेट उठ के भी ना वजू करके पहले बैठा हुआ था आप लोगों से रेडी। कौन नहीं था निकल रहा वॉशरूम में? आप बैठे हुए थे। सर मैं वजू कर रहा था, ये कपड़े पहनने गया हुआ था। बस अब एक दूसरे के ऊपर मलबा डालो, नमाज तो है। पता मस्जिद यहाँ पर थोड़ी लेट होती है। चलो किधर? चलो जी आओ जी, देख लेते हैं अब किधर होती है। इधर से तो मिस करा दी है। एक दफा ना मैं आपको इसका कैमरा चेक करवा रहा हूँ। ये जो कहते हैं ना 16 प्रो मैक्स, कोई चेंज नहीं है। बात तो उनकी बिल्कुल सही है, लेकिन कैमरे में बहुत बड़ा चेंज है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सिर्फ हमारे लेट होने की वजह से ना आज हमारी नमाज ही रह चुकी है, वहाँ भी हो चुकी थी, और इसलिए अभी हम लोगों ने इतना कराना क्या था, सब्जी और फ्रूट वगैरह लेने के लिए आए हुए। और वो आगे खड़ा हुआ कदम मेरा हाथ के इशारे कर रहा है, ब्रो इधर आ जा। मिस हो गया यार, आज बड़ा दुख हो रहा है। कटिंग शेटिंग करवानी है आज मैंने, क्योंकि दो दिन बाद मामू के बेटे की मंगनी है, सो उधर भी रेडी शेडी होके जाना है, गांव जाना है, लेकिन वो कल ही चले जाएंगे। डड्डू गुजर को आप लोगों ने इतने दिनों से देखा नहीं है, सो कल इंशाल्लाह कल वाला जो व्लॉग आएगा ना उसमें डड्डू गुजर भी आएगा। ले जी घर आते ही मैंने अपनी चाय बनवा ली है, क्योंकि गर्मियों में तो वैसे भी हम लोग चाय पीते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में चाय पीने का आपको पता है स्वाद नहीं आता, लेकिन एक जो चाय वाले बंदे का नशा होता है ना, बस वो नशा पूरा होता है। भाई इधर चाय का नशा चल रहा है, तू अपना नशा लेके घूम रहा है भाई, तेरे को पता नहीं चल रहा है? इधर मैं चाय के नशे में बात कर रहा हूँ, तू बीच में आ गया यार। क्या हो गया? और चाय का नशा तेरे वाला नहीं है ब्रो, तू चिट्टी चाय पीने वाला बंदा। मैं तेज पत्ती पीने वाला बंदा हूँ, तो वापस रख दे इसलिए। तेज पत्ती ना, काली चाय कहते हैं। काली चाय नहीं, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग चाय, जो के ट्रक होटल पे मिलती है। तेरी वजह ने बेड़ा गर्क हो गया लोगों ने मेरे यहाँ। मेरी वजह से क्यों हो गया? चाय पी पी के। इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बड़ी गर्मा गर्म खबरें लेकर आया हूँ। क्या आपने कभी सोचा कि आप घर बैठे गेम्स खेलकर पैसे कमा सकते हैं? जी हाँ, अब ऐसा पॉसिबल है। और किसके थ्रू पॉसिबल है? मोस्टबेट ऐप के। ये एक इंटरनेशनल लाइसेंस वाली कंपनी है जिसके 5 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट गेम्स खेलकर पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर गेम्स हैं एविएटर, क्रैश एक्स, अंदर बाहर, जेट एक्स, इस तरह की मुख्तलिफ गेम्स हैं जो कि आप इजीली खेल सकते हैं और इजीली पैसे कमा सकते हैं। इस ऐप में आप इजीली पैसे विड्रॉ और डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जैज कैश के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू, और किसी भी पाकिस्तानी अकाउंट के थ्रू। और हाँ, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा 65,000 का वेलकम बोनस और 250 फ्री स्पिन्स। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अभी जाएं, नीचे कमेंट में एक लिंक पिन है, वहां पर जाकर खुद को रजिस्टर करें और कमाएं लाखों रुपए, और बोनसेस भी ले और फ्री स्पिन्स भी हासिल करें। थैंक्स, मी लेटर। अच्छा मैं जैसे मैंने लगाया हुआ ना, मैं पति दरियाफ्त की, मैं दुद्ध दरियाफ्त किया, कुछ भी नहीं किया मैं अत तक, तो फिर मेरी वजह से मेदे कैसे खराब हो गए? तू कुछ भी नहीं करना है, खुदा दा बंदा वे काली चाय पी है। किधर इतनी काली हो? ये मक्खी को तो उठाओ, ये मैं मक्खियां मार देनी है, मैं तुम दस रहे हैं। अब चाला जिन्ने तेरे कदन कुदन कटे हुए ने उठे, और किते गया चौधरी गोशी? किधर है वो? अब्बू को लेने गया। क्यों, अब्बू किधर गए हुए थे? वो शादी थी वहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है। खैर चाय की बात कर रहे थे, गर्मियों में चाय पीने का इतना मजा नहीं आता, बस जो है ना नशा नुशा पूरा हो जाता है, लेकिन जो स्वाद आता है ना चाय का सर्दियों में, आय हाय 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 हाय। तुसी भी कहंदे होगी इन्नी आय हाय कर रहे, बहुत बोंगा लग रहा है। लेट्स चेंज द टॉपिक। टॉपिक तो चेंज करना चाहता था, टॉपिक वैसे चेंज कर दी, इंज हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी मौसम बड़ा बेहतरीन हो चुका है, पंखा बंद है, चाय पी रहा हूँ, क्या स्वाद आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जब सर्दी बढ़ती जाएगी ना, फिर चाय का मजा और दुबाला होता जाएगा। आप में से जितने बंदे चाय पीते हैं ना, आपने नीचे कमेंट करके बताना
आई एम टी लवर, ये वाला कमेंट मुझे नजर आना चाहिए क्योंकि भाई मैं भी चाय पीना, लेकिन ना एक मसला है, मैं चाय में थोड़ा सा चूजी हूँ कि मैं हर किसी की बनाई हुई चाय नहीं पी सकता क्योंकि सारे चंगी चाय नहीं बनाते, कोई सही बना देने, कोई मगरों ला देने, बिकॉज मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूँ इसलिए मुझे अच्छी चाय पीने की आदत है। यार ये इन्हें ना मेरे को मर जाने, आज मैं बहुत गुस्से जा। अच्छा यार टाइम बड़ा कम है और काम इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो कहीं मूव होने वाला मामला होता है ना, ये देखने में तो बड़ा आसान लगता है लेकिन बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें काम होते हैं बड़े और दूसरे नंबर पे पैसे बड़े लगने हैं। मेरी तो जेब बड़ी खाली होनी है अभी क्योंकि काफी सारी नई चीजें लेके आनी है, कुछ फर्नीचर नया मंगवाना है, कुछ और सामान नया मंगवाना है, वो जैसे उस दिन मैं आपको स्नूकर का दिखा रहा था वो लेनी है, उसका अच्छा भला खर्चा है, बड़ी बड़ी चीजें करने वाली है। हाँ जी क्या कर रहे हैं? मैं कुछ भी नहीं व्लॉग कर रहा हूँ और क्या करना है मैंने। इधर क्यों बैठे हो? बताया तो है व्लॉग कर रहा हूँ, अभी मैं नीचे बैठा हुआ था, चाय शाय पी है, ऊपर आया हूँ, हेयर कट करवाने जाना था मैंने। निकाश भाई चले गए गाड़ी लेके, मैंने कहा चले वो आते हैं तो फिर उसके बाद। अच्छा बना लिया व्लॉग? व्लॉग ही बना रहा हूँ, आप बताएं काम बताएं। उधर आओ मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज। क्या दिखाना है? कुछ सरप्राइज मंगा लिया साढ़े वास्ते। ये देखो सरप्राइज ही है, ये सारा सरप्राइज इकट्ठा होगा भाई। अच्छा ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा कमरा है और इसी फ्लोर पे जो है ना मैस क्रिएट हो रहा था, नीचे ये लोग रहते हैं, इन्होंने लश पश रखा होता है नीचे। मेरी बात सुने पहले, अब ये कपड़े तो आप लोगों ने सारे पैक कर दिए हैं, ये सारा सामान जो है ना ये सारा कॉटन में पैक, इसको किस में रखना है? ये जो रजाई है ना इनको धूप लगवाई है ना, हाँ तो कवर बनवाएंगे। नहीं इसको कैसे मूव करना, लाइक ये भी ये तो कॉटन में तो जानी नहीं है। नहीं कॉटन में नहीं, इनको वैसे ही ना वो पेटी है ना, हाँ हाँ पेटी रख के ना उसके अंदर गाड़ी, पेटियां उधर लेके जानी है, एक ही है बस, एक ही रखेंगे। अच्छा हाँ, बिस्तर भी तो रखने हैं किसी चीज में। चले ठीक है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, वो वाले जो सोफे पड़े हुए है ना बाहर वो तो जरूरत नहीं है, ठीक है किसी जरूरतमंद को दे दूंगा, ठीक है क्योंकि हम लोगों के तो इस्तेमाल के हैं नहीं, इधर फ्री में पड़े हुए हैं तो इस्तेमाल होंगे तो वो बेहतर चीज है। अब ये जो फर्नीचर है इसको किधर पहुंचाना है ये भी मुझे बता दें। इसको कहीं नहीं पहुंचाना। क्यों? इसको सेट करो, अच्छा वाला फर्नीचर है इसको क्या? यार अम्मी माना आपके दहेज का फर्नीचर है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं। आप बात सुनो, अब जो भी चीजें बन रही है ना वो सारी प्लाई में बन रही है। हाँ। और ये प्योर लकड़ी है, ये तो मुझे पता है शीशम की। मैं उस दिन ना गया एक जगह पे तो उन्होंने मुझे बताया, वो कहते जो शीशम की लकड़ी होती है ना उसका टेबल ही चार चार साढ़े चार चार लाख का बनता है। मैंने कहा इतनी तो महंगी? ये शीशम है सारा, ये सारा, ये बेड भी और वो भी, वो भी है। अच्छा पहले ही मैंने सारा फर्नीचर अपना दे दिया, वो सोफे भी दे दिए, दूसरा टेबल सेट टेबल सारा कुछ पहले ही दे दिया, ये दो चीजें। तो इसका क्या करना है? देखिये मैं मेरी बात सुन ले। आपका फर्नीचर पड़ा हुआ है, नया लिया था वो चला जाएगा, जवाब भाई का पड़ा हुआ वो चला जाएगा, और निकाश भाई का पड़ा हुआ वो चला जाएगा। जुल्कर नैन ने अपने रूम के लिए सारा कुछ नया लेना है। अच्छा। तो अब मैं भी रूम अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ तो मैंने भी फर्नीचर सारा नया लेना है। बात सुनो, नया क्या करना है, इसको सेट करवाओ। यार मी मैं इसका क्या करूंगा यार, मैं एक बेड ले लूंगा, एक ये ले लूंगा और साथ सोफा शोफा ले लूंगा। नहीं ना, जब है जो चीज घर पे पड़ी है ना तो उसको इस्तेमाल करो। तो आपका दिल है कि ये सेट करवा के ये मैं अपने रूम में रखूं? प्यारा हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी जैसा मैंने बनवाना जी। हाँ हाँ, तो वो बन के इतना प्यारा हो जाएगा ये सारा वगैरह। यार मैं नया कर लेते हैं यार, और छोड़ो नया क्या करना है, कल आपकी शादी होगी तो फिर नया सेट करो। घूम घूम आके ना मेरी शादी पे आ गया करो, फिर नहीं सेट करोगे यार? फिर तो नया सामान ले गए ना अपना, वो जो लेके आओ जब शादी करेंगे तब मैं अपना नया सामान ले लूंगा, खरीद लूंगा ना। तो आपका टाइम कितना है? कितना टाइम है मुझे बता दो, कितना का टाइम है यार ये तो। कौन? हाँ भाई कैसी लगी? की गल है, लड़ाई करके आए हो दोनों आपस? शहर दे विच रश नहीं तेनू पता किन्ने? तो फिर भाई गांव में जाके रह लो, शहर में रश बढ़ा दो। क्यों? बड़ा बुरा हाल है। क्या हुआ है? तर मैं जमात इस्लामी का कोई जलसा है उत्थे। ओ यार एक तो ये पॉलिटिकल पार्टियों के जलसे नहीं खत्म होते, इलेक्शन नंगे ने देना दे जलसे नहीं मुक रहे हैं। इस्तेजाज होना ठीक है, किस चीज के खिलाफ? महंगाई के खिलाफ होना चाहिए। पार्टी बदल लिया, दिल्ली के खिलाफ, मशीयत के खिलाफ, ठीक है उन्होंने, गलत नहीं है। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है। तू सुना?
बस बेहतरीन। राणा साहब आ रहे हैं बस, राणा साहब के इंतजार कर रहा हूँ। राणा साहब अगर आपको पता नहीं कौन है तो छोटू भाई को राणा साहब कहते हैं। मैं यार रेडी शेडी हूँ और मैंने जाना था हेयर कट करवाने। फुफो आई हुई है घर पे। फुफो कौन? जो हमजा की अम्मी है वो मेरी फुफो भी हैं। तो वो आए हुए हैं आज इस्लामाबाद से, तो उनके पास बैठा हुआ था घंटे डेढ़ से। तो मैंने कहा बाद में देखेंगे, बाद में सारे काम करेंगे। यार ईमान ये क्या तरीका है यार, इसको वापस रखो, डस्टबिन को उधर वापस रखो उसकी जगह पे। गो 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 गो, इधर पड़ी थी, किधर? उधर पड़ी थी ना, तो वहां पे रखो। यहाँ पे क्यों रख रहे हो आप? इतनी शरारती हो गई है ना ये माशाल्लाह के। इसका मैं आपको क्या बताऊं, क्या खा रहा है अभी? किसने दिया है? बोबो ने, बोबो ने। दादो को पता चल गया ना कि तू दादो के रूम में ये काम कर रहा है, तुझे इतनी फेंटी पड़नी है कि तुम्हें याद रखना है। समझ आई है बात? बाबा किधर गए हैं अभी आप? हैं किधर? चलो अब बाहर बैठे होंगे यार, रूम में शॉप पे गए हैं, तो केसरी शॉप पे। बाय छोटू भाई, आया ऊपर बैठा हुआ है कब से। छोटू भाई क्या हाल है ब्रो? ठीक ठाक। तू कब आया था? मेरे ख्याल से अभी जब मैं रोटियां लेने गया हूँ तब आया हुआ तू, है ना? क्या हाल है? जबरदस्त। आज बड़ा चिट्टा जोड़ा पाया। खैर चिट्टा कलर पता तो फेवरेट है हमारा। फेवरेट है? नहीं मुझे नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं। नहीं मेरे को नहीं, मेरे को नहीं पता वो किधर है। पंगी और मोटू भाई किधर है? यार मोटू भाई से मैं रابطہ कर रहा था, उससे हुआ नहीं है। क्यों? पता नहीं यार वो कौन। अबे चेक कर, मरवर तो नहीं गया? तू किधर गया हुआ था? मैं यार पहले थोड़े काम किए हैं, फिर रोटियां शोटियां लेने गया था। अच्छा अभी तू मुझे बता, खाना खाना है अभी? खाना है कि थोड़ी देर तक खाना है? यार अभी तो भूख कोई नहीं, मैं अभी शादी से आया था, निकाह वगैरह करवा के आया था, बिंदी दिखाई है मैंने। ये तू ही, ये नाजपान मसाला और ये सारा कुछ तू खा रहा था? अच्छा टोपी शोपी रखी है मेरे ख्याल से। मस्जिद से सीधा इधर ही आया, मस्जिद से सीधा इधर ही आया था। चलो निकलते हैं, खाने का बता, मुझे लगी भी है भूख, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इकट्ठे खा लेते हैं। अबे लेट हो जाएंगे ब्रो, क्रिकेट खेलने के लिए जाना है, आज मैच है इतनी बड़ी टीम के साथ। आहो अबे तूने नहीं खेलना, तूने बस सपोर्ट करना। तूने या तो कैमरा पकड़ लेना, या तूने उधर पे ना वो चीयर लेडीज नहीं जो होती वो बन जाना तूने। ठीक है म्यूजिक में चलो आ दूंगा। तेरा फुल लोन, तेरा छक्का लगा चौका लगा तेरा, समझ रहा है, चल रहा है। अब मुझे सीरियसली बता, चाइनीज राइस है? अच्छा। और साथ मेरे ख्याल से या मटन है या चिकन है, आई डोंट नो। मैं फिर चाइनीज राइस थोड़े से चख लूंगा फिर, वैसे मैं हूँ फुल, लेकिन तेरे साथ बैठ के रहना तो मल्ले चे खाने तू चाइनीज चावल ने बना तू गल भी तो चंगी कर लेंदा। कभी चाइना गए हैं? चाइना नहीं गए लेकिन जावा। अच्छा ये चाइनीज राइस मुझे याद आया कि ना मैं ना डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जब भी गया हूँ ना आउट ऑफ कंट्री, तो मैंने कहीं पे भी चाइनीज राइस नहीं देखे। और ये जो चाइनीज राइस पाकिस्तान में बनते हैं ना, ये पाकिस्तान के ही हैं। चाइना जाके भी आपको इस तरह के चाइनीज राइस नहीं मिल रहे। तो मैं सोच रहा होता, मैं कहा यार साड़ी पाकिस्तानियों की भी ऐसी अपनी डिशा बना लेने, चाइनीज राइस, चाइनीज वो, चाइनीज ये। हालांकि चाइनीज में मेरे ख्याल से वो एग्जिस्ट भी ना करती हो, लेकिन साढ़े डिश बना के नाम चाइनीज का रख देते हैं, ये भी ठीक है। खैर चल मैं ना करता हूँ खाने का कुछ, खाते हैं जी। खाना शाना मैं अपना लेके आ गया हूँ। ओए हेलो उठ खा अब। ये बेगम है? ये बेगम है भाई जान, ये बेगम है। अच्छा यार मैंने खाना शाना खा लिया था, तो मैंने कहा आपको ना ऑयल के बारे में बता दूं। कुछ दिन पहले मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी और आपको बताया था कि मैं इसको इस्तेमाल करके बताऊंगा कि इसके इफेक्ट्स कैसे हैं। तो ये जो ऑयल है ना मिरेकल हेयर ऑयल, इसको यूज करके ना मेरे बाल काफी हद तक स्मूथ और सिल्की भी हुए हैं। अच्छा ये सिल्की करने में बड़ी मदद देता है, तो मैंने तकरीबन 3-4 दिन यूज किया था तो मुझे इसके इफेक्ट्स नजर आए। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगर ये यूज करूंगा तो मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगा। तो मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है। इनका इंस्टाग्राम का भी पेज है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मिरेकल ऑयल 28। तो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं, यूज करेंगे, फिर मुझे भी बताइएगा कि जो फायदा मुझे हुआ है वो आपको भी हुआ है या नहीं। यार मैं ना कपड़े चेंज करूं, मैंने पेंट शर्ट वगैरह कुछ पहनी हुई थी लेकिन मेरा दिल ट्रोजर शर्ट पहन ली, तो रिलैक्स हो जाता हूँ, फिर बाहर जाना देखता हूँ जाना कि नहीं जाना। और सुबह से मैं घर बैठा हूँ क्योंकि मेहमान आए हुए, मेरा दिल ही नहीं कर रहा, घर पे काम ही नहीं खत्म हो रहा। इसको मैंने फोन किया आज, इसके साथ बदमाशी कर रही है। मैंने देखो रिश्ता आया मौत का। क्या हो रहा है?
बदमाश नाम है मेरा वे मिले नी कैमरा दे दे कैमरा मैन इतना दतिया कैमरा मैन है कि टिकना भी मैं बदमाशी कर सकता हूं ये बाद में ध्यान में रखी ओए अपने आप को बचाने के लिए बच्ची को ले आया है हैं शर्म नहीं आई तुझे पैसे ले लूं वो गाड़ी आई डियर ये मेरे पैसे ले लो मुझे कोई चीज ला के दो रिश्वत भी देंदी मैं बाहर ले जा असल वो देर से रहती है ना उसको पता है उसका ये वाला जो मामू है ना ये बहुत ज्यादा करप्ट है मामू को रिश्वत देंगे रिश्वत भी वे होने तेन वड्डी दी अन्य दी उम्र ने जिन्हें होने तेन रिश्वत दी मांगा तंदे दी ये मांगा चलो मुझे भी दे दो इधर दे दो दारा थैंक यू लेकिन मुझे रिश्वत नहीं ना दी वैसे दी है ना हाँ यस थैंक यू सो मच नहीं चाचू को दो ये 21 दिन बाद डबल कर देगा वापस कर तू लैके निकल जाने चलो यार आज चले यार क्या रह गया अब क्या ढूंढ रहा है क्या है यार मेरी ब्रेसलेट गुमी हुई है और मैंने ये देख मेरा ख्याल है इसमें ना हो ब्रेसलेट कौन सी चांदी की जो पहनता है तू था वो गुमी हुई है ना तुझे बताया दिखा इसमें ग्लव्स पहने थे ना उस दिन पता है इनके साथ उतर जाती होती है तो चेक कर तो उसके अंदर देख तो तेरी उस दिन की गुमी हुई अच्छी भली महंगी ब्रेसलेट है तुझे आज याद आ रहा है यार याद मुझे उस दिन से है मैं वेट कर रहा था अगर इनमें तो गाड़ी में ही होनी है कहाँ पे जानी है यार ये बंदा पागल है तीन दिन हो गए हमें उधर खेले हुए वहां से पता करें जाके अभी चलते हैं उधर पता करते हैं चलो जी मोटू भाई ने जी बैठे बैठाए नुकसान करवा लिया और मुझे पता ही कोई नहीं है ये तो बीस में चेक कर रहा है इसने ना हाथ में पहनी होती है आपने व्लॉग में देखी होगी तो इसकी गुम हो गई है लेकिन ऐसा भाई होता है कि गुमी हुई चीजें मिलती कोई नहीं है इतना पता है आपको मुझे ना उससे प्यार बहुत है तुझे पता है वो मेरी फेवरेट थी लेकिन मुझे नहीं लगता मिलेगी लेकिन आओ चेक कर लेते हैं ग्राउंड में जाके जी बैठे बैठाए नया नुकसान हो गया बैठो जी बैठो सारे लोड हो जाओ पीछे कितने बंदे हैं मोटू भाई मुंह ना छुपा ऐसे काम ही ना किया कर के मुंह छुपाना पड़े नहीं ब्रो ऐसे काम ना किया कर मुंह छुपाना ओ भाई हेलो साइड पे कर क्या मेरे मुंह पे लगाएगा यार शूज एक तो तुम लोगों को मैच खिलाने लेके जा रहे हो सिर से चढ़ी जाते हो यार जो साहब तुसी की अपना शैल आ लेंदा मैच खेडन चले नहीं मैच खेडन चले क्या हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करने जा रहे हैं बस छक्के मारता दुनिया देखती है फिर पता है ना हां जी चलो भाई किसी का दरवाजा खुला है तो प्लीज बंद कर लो चेक करो दरवाजा देख बच्चे ने बता दिया तुम लोगों को नहीं नजर आ रहा ये ठीक है ब्रो दरवाजा चेक करो ये क्या ए, एक कोई और है एक वाह यार वाह ओ बल्ले ओए नाम रखे चौधरी निकाश से कम वेख ला अपने तू नहीं कम की है गन मारी थी मैं एक जैसे ने ये लेपर्ड प्रिंट वाली मैंने मंगवाई थी सॉक्स यार मैंने अपने लिए ग्लव्स लेने थे क्योंकि पसीना आ जाता है हाथों पे तो मैंने सोचा किसी के लेके अक्सर खेलते हैं तो आज अपने ले लेते हैं थैंक यू जी शुक्रिया ये मोटू भाई ये चेक कर ले ये सही है ये वाले दो किस्म के थे इससे वो कह रहे हैं ग्रिप अच्छी होती है दूसरे भी पड़े हुए हैं यार आपके पास वो एक और पेयर है मुझे वो भी दिखा दें वो मेरा एक्सपर्ट दोस्त है उसने चेक कर ले यार ये दूसरे वाले ये हैं वो बो क्यों आनी है जोई साहब की गल है पैरों से पाने वो दे वो मैं वापस करूँ हाँ ये जरा लाइट से है की गल है वापस नहीं करने जोली में रख दी है तूने ले लें जी ये ठीक वही ठीक है थैंक यू राजा भाई देख ले कितने की थी वैसे मैंने 15,000 की बनवाई थी यार
15,000 रुपए की है यार। मेरी बात सुनो, तुम लोग उस दिन खेल रहे थे, किसी ने इसकी ब्रेसलेट तो नहीं देखी? नहीं यार, कोई नहीं, तू तो नहीं चुकी है? तेनू पैसे नहीं बाबा लोड़, तेरा ब्याह होया नवा नवा। अबे ये तो धोती खोल रहा है, आया ही नहीं है, होया की पहले तो दस। और यार इसकी ना ब्रेसलेट उस दिन गुम हो गई थी, ये इसकी मोटू भाई की। यार उस दिन किधर बैठे हुए थे? इधर आ। वैसे मैं एक बात बोलूं, इतने दिन हो गए, अब कहाँ से मिलेगी यार? यार मैं तुझे ये कह रहा हूँ, एक दफा यहाँ पे चेक कर ले तू। उस दिन हम लोग, मेरी बात, हम लोग बैठे होते हैं इस एरिया में, ठीक है, या यहाँ बैठे होते हैं या वहाँ पे बाहर, दो तीन दिन पहले। यार अब थोड़ी मिलनी है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इधर और भी टीम्स खेलती है। इसके पास इतनी पुरानी है तो इसने हाथ पे पहनी होती थी, याद नहीं है तुझे? आहो, तो वो वाली नजर लगी है ना, उसके बाद नहीं आके देखी। मुझे तो पता ही नहीं है ना, इसने मुझे बताया, आज इसने मुझे बताया कि भाई जान इसकी ब्रेसलेट गुम हुई है। दो दिन हो गए ना इसने बताया, ना इसको इतना आइडिया है। नहीं, चांदी की, चांदी की 15,000 रुपए की बनवाई थी यार। कौन सा सस्ती थी, 15,000 कौन सा फ्री में आ जाता है यार? पता नहीं, सोने दी होगी। चलो 15,000 दे दो। तो इधर खड़ा क्यों है, देख ना यार, समान वाली साइड देख। क्या दो दिन बाद किचू लपनी है मुझे, कि मैं भी चली गई होगी वो, क्या ऊपर तो नहीं होगी यार। तू उस साइड पे देख, यार समान करो, इधर इसको उठा यार। यार तू उस साइड पे देख ले यार, पागल है यार, उनका लाख रुपए का कारपेट है, तू 15,000 के लिए सारा कारपेट उठाया? तू परवाह कर, हूँ दो दिन बाद तू कहते मिल गई है, तो फिर आ क्यों कर रहा है? वो कह रहा नहीं मिली है। मनुष पता की शख्स जिस दिन बैटिंग कर रहा था, पता थलो मैं मिट्टी लगाई थी कारपेट उठा के, मनुष ऐसी उधर स्प्रेड हो गई। किधर दिखा दिखा, तू ही देगा, वो लब गया, तू ही देगा, तू ही देगा। तो वो पागल है क्या, जानबूझ के कर रहा है तू? हैं यार, अगर टेंशन दे तो हसाई जा, दे तो हसा, ये क्या तरीका है? ब्रेसलेट पैसे देना, चल तू ही दे दे। अच्छा मेरी बात सुन, नहीं नहीं मेरी बात सुनो, देखो भाई भाई ये होता है, तू भरता है साला, बोलेगा इसको देता हूँ 15,000, 15,000 दे इसको, अभी दे, अभी दे, नहीं 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 मोटू भाई देख, यही दोस्ती होती है कि तेरा नुकसान हुआ है ठीक है, मैं भी भर सकता हूँ, लेकिन ये मैदान में आए, मैं तो भर रहा हूँ भाई, दो जी अभी दो, 5,000 मैं थोड़े सारे खर्चे चुकाऊंगा, 5,000 भी दे, 5,000 कैश को नहीं दे यार, ये कोई तरीका नहीं है यार, आजकल भाई कार्ड का दौर है बस। एक मिनट खोल, ना 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 ना, मैं तो ले लो बड़े पैसे, ये 5,000 है यार, आधा नोट है यार, ये देख यार, आधा नोट है। स्टेज पे सीधा काम हुआ, स्टेज पे क्या हुआ था, काम नहीं हुआ यार, बारात वाले दिन 500 यार, तू देता है इसको, ट्रांसफर करेगा ये यार, कर दूंगा क्या। अच्छा तू मेरी बात सुन, तूने 5,000 का क्या करना है, कुछ खाना पीना है? खा भी लेते हैं यार, चलो दे इसको 5,000, जो तेरे 10 रुपए गिरे हैं वो उठा पहले, पैसे सारे चुको यार, कीमती मुर्गी बसा ली है, पार्टी नहीं वैसे नो, पार्टी ऐसे नहीं मैं लूंगा, पार्टी ऐसे नहीं लूंगा, पार्टी के ऊपर प्रॉपर खर्चा होगा, प्रॉपर अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे। किदों दा गया ना, हर रोज रेस्टोरेंट तो शाम नु जा रहा है, कभी मैं भी आपको बता देता हूँ, ये बंदा कल वाले आपने व्लॉग में देखा होगा, कल भी ये उधर गया था, आज भी ये घर वालों को और भाभी को ले, जो कि मैं कहता हूँ अच्छी बात है, ये पहले नहीं कर जाता, इट्स अ गुड थिंग, जाना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन ये है कि अभी तकरीबन मैं आपको सही टाइम बताऊँ ना, 12:30 हो रहे हैं, लेकिन ये बंदा आ गया, इसने ये नहीं बोला, इसने घर वालों को उतारा और ना मैंने फोन कोटाया, पहले लता फिर आया, मेरी स्नैप देखी यार, मुझे फोन किया, नहीं नहीं नहीं, हाँ एग्जैक्टली, हम लोगों ने फोन नहीं किया खुद है ब्रो, चलो आओ यार, आ जाओ यार, आ जाओ। मोटू भाई की जो ब्रेसलेट है वो कोई नहीं मिली, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, क्या पता किसी को इससे ज्यादा जरूरत हो भाई, ऐसा भी हो सकता है, उठाओ यार इसको यार, बोलना नहीं कोई बंदा, ये छोटू भाई आज खेल नहीं था रात, तो सोया हुआ है, ये देखो कोई वेखी जिंदा है, मर गया, गड्डी तो सो भी बंद ही, शीशा भी थल्ले की तैयार, डंगरिया साथ में चला गया, ओए चोर पे आ गए नहीं हो बाहर, ओए अनलॉक तो कर ब्रो, भाई मैं लड़की नहीं, इससे आना है, बाहर बैठा हुआ था ये अकेला, इसने लॉक करके रखा हुआ, चेहरा देख के अगले कहने अरे को की निकलना है, दरवाजा खोल, ओए कितना सोना है, ओ यार क्या बात है, खैर चक्कर आ रहे हैं,
है? सोया हुआ क्यों है गाड़ी में? नींद नहीं पूरी हुई तेरी? कैमरे की एक्टिंग यार तू पंगी क्या बंदा है यार, ये सारी कथा कैमरे की एक्टिंग है। वैसे ही बिल्कुल सही है। ये अभी आया थोड़ी देर पहले। चल उठ निकले घर आ जा, तेरी जान छुट गई। हाय अच्छा ये बड़ा काम है, शादीशुदा बंदे को ताने बड़े मारते हैं। जान छुट्टी छुट्टा ये तुसी ऐ टेंशन ले फिर यार, असि ते चांदे ही नहीं तेरी जान छुट्टी, असि ते चांदे हैं तेरी जान फड़ी देवे बाबा। भाभी रे ने व्लॉग देख लिया फिर नहीं इंज कहना। चलो यार आजा चले। खान साहब जी ये गाड़ी लेके आए हैं और मैं तेरे साथ सिर्फ पता क्यों बैठ रहा हूँ? तेरी ड्राइविंग देखने के लिए। अच्छा, मैंने नकाश भाई लोगों को बोला कि आप उधर बैठ जाएं, हम लोग इधर बैठते हैं, मैंने इसकी ड्राइविंग देखनी है। नहीं नहीं टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा, मैं चुप करके बैठा रहूंगा, मैं तुझे ऑब्जर्व करूंगा, तूने बस गाड़ी अच्छी चलानी है। ठीक है तो जी बिस्मिल्लाह। चले जी उस्मान साहब। उस्ताद आ गए डर लगता है यार, असल में उस्मान इतनी गाड़ी नहीं चलाता, इसने नई नई ड्राइविंग सीखी है अभी शादी से थोड़ा अरसा पहले ही। क्या हुआ? हैंड नीचे ही है ब्रो, इजीली आराम से, आराम से, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी उस्मान। कोई ऑल्टो में जब भी बैठते हैं ना ऐसे फील होता है पता नहीं किधर बैठ गए, बहुत छोटी गाड़ी है यार, लेकिन फ्यूल एवरेज के लिहाज से बड़ी बेहतरीन है। एसी क्यों लगाना है, वैसे मौसम अच्छा है, शीशे नीचे कर लो। मैं काफी टाइम से बैठा हुआ पंगी साहब को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पंगी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, बिल्कुल आराम से 40 50 60 की स्पीड पे चला रहे हैं। ब्रो आज तो तू हमारी तरफ से पास हो गया। अच्छा, लेकिन अगर ऐसी ही गाड़ी चलाएगा फिर अगर वो नए नए ड्राइवर्स की तरह ऐसे रेसे दे के इधर जा रहा है फिर कोई काम नहीं है। लेकिन ओवरऑल अभी तक तू अच्छी गाड़ी चला रहे ठीक है, पर गाड़ी चलाते हुए हमेशा याद रखना शोखे नहीं होना, समझ रहे? ज्यादातर नुकसान और एक्सीडेंट तभी होते हैं जब बंदा शोखा होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होता है जी मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, होता है को नहीं, वो आप ही बंदा मरता है दूजे ने भी ले जाता है। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं खाने पीने के लिए, कुछ मैंने कहा आपको अपडेट दे देता हूँ क्योंकि आज मुर्गा फंसे है। लेकिन इसे अभी पार्टी लेनी है, इसकी शादी की पार्टी अभी रहती है, वो भी इंशाल्लाह थोड़े दिनों में लेंगे। ये निकाश भाई, निकाश भाई इकट्ठा मार रहे हैं, कभी ऐसे नहीं करके निकाल रहे, कभी ऐसे करके निकाल रहे, तुझे गुस्सा दिला रहे हैं, यही तेरा टेस्ट है ब्रो। तूने इजीली तू कह रहा है जा जिधर जाना है आप लोग जाए, मैं अपने सुकून से आराम से आऊंगा। जाने दे आजा आजा, थोड़ी सी आगे कर और थोड़ी सी, बस ठीक है बढ़िया, स्टीयरिंग सीधा कर दे बिल्कुल। पास है जी पंगी साहब, पंगी साहब पास है जी, आ जाओ अभी। अच्छा यार भाईजान हेलो, देख लो क्या ऑर्डर करना है, पिज्जा शीजा मंगवाना है, भूख तो सबको लगी हुई है काफी ज्यादा। मैं ना कैमरा बंद करके एक दफा देखता हूँ ऑर्डर। हाँ जी खाना शाना खा लिया, अभी हम लोग सुकून से घर जाएंगे। आज मैं बड़ा थक गया, जाके रेस्ट करूंगा और कल उजना वाला जाना है मामू की तरफ, क्योंकि मामू के बेटे की मंगनी है, तो कल जल्दी उठना पड़ेगा, सुबह कटिंग शटिंग करवानी पड़ेगी और बड़े काम है, वो मैं आपको बताऊंगा कल वाले व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग बड़ा पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, डू सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज जड़ी वीडियो अच्छी लग रही है कुरे भी नहीं लगेगी। तो याद रखिएगा कल मुलाकात करेंगे, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।